जी ने जिन 13 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन किया है और उत्तर प्रदेश के 60 नगर अमृत योजना के अंतर्गत चयन हुए हैं, जिनमें पेयजल की आपूर्ति करने के साथ साथ सिविल लाइन बिछाने की कार्रवाई भी उसके साथ संपन्न होनी है, जिससे आम जन की बुनियादी सुविधाओं का समाधान होगा, सड़कें चौड़ी होंगी, अच्छे पार्कों का निर्माण होगा और साथ साथ जन सुविधाओं के लिए जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। इस जिससे कार्रवाई जहां केंद्र सरकार करने जा रही है, वहीं हमारी सरकार ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर अपनी एक कार्य योजना तैयार की है और उस कार्य योजना के साथ आपको जोड़ने की राज में आपके बीच आया हूं। नगरीय क्षेत्रों में लोग आते हैं, गांव से आकर के नगर के किसी कोने में सस्ते में जमीन खरीद करके मकान बना लेते हैं, लेकिन नगर में आकर के पिछली सरकारों ने नगरीय क्षेत्रों की सुविधाओं को ऐसा नष्ट किया कि आज नगरीय क्षेत्र नारकीय बन चुके हैं। इनके जीवन स्तर में सुधार होने की आवश्यकता है। जो लोग आते हैं सस्ते में जमीन खरीदते हैं, न उनके पास सड़क होती है, न उनके पास बिजली होती है, न उनके पास पीने के पानी की व्यवस्था होती है, न जल निकासी की व्यवस्था ही होती है। हमारी सरकार ने तय किया कि नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, 3 परिवार भी अगर कहीं पर है, हम उन लोगों तक भी बिजली पहुंचाने का कार्य करेंगे और उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। हम लोगों ने पिछले 8 महीनों के दौरान प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के मजरों में, शहरी क्षेत्र के मोहल्लों में ऐसे 45,000 स्थानों पर बिजली पहुंचाने का कार्य किया है और साथ ही साथ 20,00,000 लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन अब तक हम लोग उपलब्ध करवाए हैं। एक बड़ी कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार कह रही है कि उन्होंने 5 वर्षों में 29,000 आवास बनाए, हमारी सरकार ने मात्र 8 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर 11,00,000 गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराए हैं और हम लोगों ने तय किया है 2022 तक प्रदेश के अंदर कोई परिवार नहीं रहेगा जिसके पास अपने सिर को ढकने के लिए उसकी छत न हो, उसके पास अपना स्वयं का मकान न हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जवाबदेह बोर्ड बनना आवश्यक है और उस जवाबदेह बोर्ड को बनाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, ये सरकार विकास कराना चाहती है, हमारी सरकार विकास के लिए भी जवाबदेह है और हमारे जनप्रतिनिधि भी, हमारे विधायकगण, हमारे सांसद, ये सभी लोग बराबर विकास की योजनाओं को लेकर के कहां पुल बनने हैं, कहां हॉस्पिटल बनना है, कहां स्टेडियम बनना है और कहां पर किन योजनाओं को आगे बढ़ा करके हम अपने जनपद को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें, लगातार इनके द्वारा उस अभियान को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आपने लोकसभा चुनाव में समर्थन किया, आपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, आपका आह्वान करूंगा विकास की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी आपकी समस्या का समाधान करेगी।